सभी के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इजी सा एक DIY लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको पर्ल क्राउन टॉपर को बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप केक डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। और इसे केवल हम दो सामान से बना लेंगे, जो कि आपको आराम से कहीं पर भी मिल जाएंगे। आजकल ये पर्ल क्राउन टॉपर बहुत ही ट्रेंडिंग है, तो आप इसे जरूर बनाइएगा और अपने केक को डेकोरेट करके उसे न्यू लुक दीजिएगा। तो बहुत ही अमेजिंग सा फ्रेंड्स ये मेथड है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स पर्ल क्राउन टॉपर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पर्ल्स लिए हैं। मेरे पास ये 3 डिफरेंट साइजेस के पर्ल्स हैं, कुछ थोड़े बड़े हैं, कुछ मीडियम साइज के हैं और कुछ छोटे साइज के हैं। आप ही जब इसे बनाएं तो 3 साइजेस के पर्ल जरूर लीजिएगा। ऐसे ही मैंने ये गोल्डन कलर का वायर लिया है, ये आपको किसी भी शॉप पर मिल जाएगा जहाँ पर कढ़ाई सिलाई बुनाई का सामान मिलता है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 2 से 3 रुपए की आपको ये वायर मिल जाएगी। ऐसे ही मोती भी आपको सस्ते ही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का गोल डब्बा लिया है, आप किसी भी साइज का ले सकते हैं, जिस भी साइज का आपको ये टॉपर बनाना हो। आप देख सकते हैं इसकी जो डायमीटर है वो 9 सेंटीमीटर का है, तो मुझे इतना बड़ा ही ये टॉपर बनाना है। अब हम अपनी एक वायर लेंगे इस तरीके की और इसको इस डब्बे के चारों तरफ हम लपेटेंगे इस तरीके से। ऐसा करने से हम एक परफेक्ट राउंड शेप का रिंग मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने 2 बार इसको इस पर लपेट दिया है और फाइनली इसके एंड्स को मैं ट्विस्ट कर दूंगी इस तरीके से, ताकि अच्छे से टाइट हो जाए और अच्छे से हम इसकी इससे शेप ले लेंगे। ये देखिए अच्छे से आप इसे होल्ड करके रखिएगा, बहुत ही बढ़िया इसमें शेप आ जाएगी। ये देखिए बिल्कुल राउंड शेप का हमारा ये रिंग रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारी ये डबल वायर है इसको आपस में इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे कि ये अच्छे से टाइट हो जाए। ये देखिए इस तरीके से शेप अगर आपकी बिगड़ जाती है तो आप वापस डब्बे के ऊपर इसे रख करके शेप को वापस ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये गोल्डन वायर का रिंग जो है रेडी हो गया है, जिसका डायमीटर लगभग 11 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 3 वायर लिए हैं गोल्डन और उन्हें कट करके रखा हुआ है। बड़े वाले को मैंने 12 इंचेस का कट किया है, मीडियम वाले को मैंने 8 इंचेस का और जो सबसे छोटा है उसे 6 इंचेस का मैंने कट किया हुआ है। हमें 3 डिफरेंट साइजेस चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे छोटे वाला वायर मैंने लिया है और सबसे छोटे साइज का ही मैंने पर्ल लिया है और उसको इसके अंदर इस तरीके से डाल करके बिल्कुल सेंटर में ला करके वायर को हम ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। अच्छे से टाइटली और नीटली हमें ये काम करना है, तो आप बस ट्विस्ट करते जाइएगा, ये दोनों वायर आपस में मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए और आपको कुछ इस तरीके की ये वायर मिलेगी, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके की जो मीडियम साइज की हमारी वायर थी, जो कि 8 इंचेस की थी, उसमें मैं मीडियम साइज का मोती डालूंगी, बिल्कुल उसे सेंटर में ला देंगे, वायर को हम मोड़ देंगे और बस इसे भी हम उसी तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स ये पर्ल क्राउन टॉपर आप बहुत ही सस्ते में बना सकते हैं, लगभग 20 से 30 रुपए में, और मार्केट में या ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो ये काफी महंगे मिल रहे हैं आजकल। तो देखिए मैंने इसे भी अच्छे से ट्विस्ट कर लिया है और हमारा दूसरा वाला वायर भी मोती के साथ अब बन करके रेडी है। अब हम तीसरा वाला वायर लेंगे, जो कि हमारा 12 इंच का है, सबसे बड़ा वाला, और उसके अंदर हम बड़ा वाला पर्ल डालेंगे, उसे भी सेंटर में ला करके बिल्कुल वैसे ही ट्विस्ट करेंगे। अच्छे से टाइटली कीजिएगा फ्रेंड्स, और इस तरीके से हमारे पास ये 3 वायर्स आ चुके हैं, एक बड़ा, एक मीडियम साइज और एक छोटे साइज का। और ऐसे ही फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ पहले से ही रेडी करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं जो छोटे वाले पर्ल्स हैं वो मैंने 10 बनाए हैं, जो मीडियम साइज वाले पर्ल्स हैं वो मैंने 5 बनाए हैं और जो सबसे बड़े वाले साइज हैं उसके भी मैंने 5 बनाए हैं। अब हम अपना रिंग लेंगे और एक वायर लेंगे और उसको इस तरीके से इस पर लपेटेंगे, एक कोना आप कम रखिएगा और बस उसे इस तरीके से ट्विस्ट कीजिएगा और हमारी वायर जो है ये सर्कल वाली और डेकोरेट हो जाए, उसके लिए हम इसके अंदर छोटे साइज के पर्ल्स डालेंगे। इस तरीके से आपको एक एक करके पर्ल डालना है और इस वायर को इस रिंग के ऊपर लपेट देना है। आप 1 से 2 ट्विस्ट इसमें दीजिएगा, जैसे मैं दिखा रही हूं आपको। फिर से वायर लेनी है और उसके अंदर छोटे वाले साइज का पर्ल डाल देना है, फिर से इसे ट्विस्ट कर देंगे। ऐसा करने से हमारा जो ये रिंग है वो भी अच्छे से डेकोरेट हो जाएगा और इसके ऊपर अच्छे से पर्ल्स लग जाएंगे। फ्रेंड्स आज यहाँ पर इस क्राउन को बनाने के लिए मैं व्हाइट कलर के ये पर्ल्स या मोती यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मोती यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसे मल्टी कलर का भी बना सकते हैं,
जैसे आपको केक की डेकोरेशन करनी हो, जिस कलर की उस पर आइसिंग हो उसके कंट्रास्ट में आप ये क्राउन रेडी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे रिंग को पर्ल से कवर कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट कर देंगे। तो हमारा रिंग एकदम रेडी है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर हम अपने बड़े साइज के पहले पर्ल्स लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट लेना है और वहां पर इस तरीके से वायर को रखना है, थोड़ा सा एंड नीचे निकालते हुए, और जो हमने एंड छोड़ा है उसी को हम ट्विस्ट करेंगे ताकि ये हमारे रिंग पर अच्छे से लग जाए। तो आप हाथों से ही इसे ट्विस्ट कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये वायर बहुत ही सॉफ्ट होता है तो आराम से मुड़ जाता है। अब प्रॉपर डिस्टेंस देखते हुए मैं ये पांचों पर्ल्स के जो ये वायर हैं उनको इस पर सेट कर दूंगी। सिमेट्री का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितनी बराबर दूरी पर आप इन्हें लगाएंगे आपका क्राउन जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर डिस्टेंस देखते हुए मैं इन वायर्स को सेट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने पांचों वायर्स को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम अपने मीडियम साइज वाले पांच वायर्स लेंगे और जो हमने पहले पर्ल्स लगाए हैं उनके सेंटर में इन मीडियम साइज वाले वायर को लगाएंगे। तो बस पहले की तरह आपको इस तरीके से रखना है, हल्का सा एंड छोड़ते हुए, और उस एंड को ही हमें ट्विस्ट कर देना है इस वायर के ऊपर। और ऐसा करते करते देखिए, मैंने अपने पांचों मीडियम साइज वाले वायर भी मैंने अपने रिंग पर लगा लिए हैं और कुछ इस तरीके का अभी हमारा रिंग दिख रहा है। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो हमारा बड़ा पर्ल है और जो मीडियम साइज वाला पर्ल है उनके भी सेंटर में छोटे वाले वायर्स को लगाएंगे, जो कि हमने 10 बना करके रखे हैं। तो एक एक करके हम बड़े वाले और मीडियम साइज वाले के सेंटर में अब ये वायर लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले लगाए थे। हल्का सा एंड छोड़ते हुए आपको इसके ऊपर रखना है और एंड को ही ट्विस्ट कर देना है। अच्छे से नीटली आप इसे टाइटली ट्विस्ट कर दिएगा। ये देखिए, अब हर वायर को मैं बड़े वाले और मीडियम साइज के सेंटर में लगाती जाऊंगी और ऐसा करते करते हम इस पूरे रिंग को फिर से कवर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने अपने सारे वायर्स इस रिंग के ऊपर लगा लिए हैं। इसकी शेप जो है थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, तो उसके लिए हम वापस से वही अपना डब्बा लेंगे और इसके ऊपर इसे ऐसे इंसर्ट करके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अपनी वापस से शेप ले ले। तो देखिए, हमारा जो रिंग था वो वापस से फिर से बिल्कुल गोल हो गया है। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, जो हमारी ये वायर्स फैली हुई है उनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा ऊपर लाएंगे, इसको एक प्रॉपर शेप देंगे क्राउन वाली। तो कुछ हम ज़्यादा ऊपर लाएंगे, कुछ हम मीडियम लाएंगे, इस तरीके से पूरे को हम रैंडमली सेट कर लेंगे ताकि ये एक तरीके का पर्ल का क्राउन लगे। तो हमारा क्राउन तो देखिए फ्रेंड्स बन गया है अच्छे से, इसने शेप भी ले ली है, लेकिन जो हमने वायर्स इसके ऊपर ट्विस्ट करके लगाए हैं उनके एंड जो हैं वो थोड़े से ओपन मुझे दिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से प्लायर से उन्हें प्रेस कर देंगे ताकि जो एंड्स हैं वो अच्छे से क्लोज हो जाए और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा देखिए टॉपर बन करके रेडी है। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत ही कॉस्टली मिल रहा है आजकल, क्योंकि ट्रेंडिंग में है, तो आप इसे घर में लगभग 20 से 30 रुपए में बना करके रेडी कर सकते हैं। बहुत ही कम सामान में ये तैयार हो जाता है, समय भी बहुत कम लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिजल्ट मिलता है। तो आप मेरे इस DIY को जरूर ट्राई कीजिएगा। आप इसमें अपने बच्चों की मदद ले सकते हैं, उन्हें भी करने में काफ़ी मजा आएगा। और जल्दी फ्रेंड्स, इस क्राउन टॉपर को यूज़ करके मैं आपके साथ केक डेकोरेशन के आइडियाज़ भी शेयर करने वाली हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कितना अच्छा लगा, कितना यूज़फुल लगा, हेल्पफुल लगा, मुझे बताइएगा ज़रूर। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।